अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। ओम नमो पार्वती पदे हर हर महादेव। तो सबको बहुत ज्यादा प्यार, और आप लोगों ने जैसा बोला कि सीरीज बच्ची क्वालिटी है कुछ तो ये अलग है, तो करो, मतलब व्यूज कम आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, व्यूज तो आएंगे आराम से काम करते रहने के, पर आपका प्यार, आपकी कमेंट्स, आपकी जो आपको ये पसंद आया, जैसे अपन संत तुकाराम महाराज का पहले किया था, तो आज की सीरीज में कुछ ये नया आने वाला है कि ये व्लॉग होने वाला है, व्लॉग नहीं बोल सकते, ये स्टोरी जो होने वाली है वो बामा खेपा जी के, बामा खेपा मैड सेंट ऑफ तारापीठ बोलते हैं उनको, माँ तारा के वो बेटे थे। बताता हूँ सब एक एक करके, वेट। तो स्टोरी सुनाने से पहले बामा खेपा की आप मुझे कमेंट करते जाओ हमेशा, मतलब मुझे समझ आएगा कैसा ये स्टोरी लॉन्ग बनाओ क्या बनाओ, मैं एक बार बोलते चला जाता हूँ तो बोलते चला जाता हूँ। तो बामा खेपा जी एक ऐसे व्यक्ति कि वो माँ तारा कौन है कि अपनी दशा महाविद्या है जो अपनी शक्ति तांत्रिक में रहती है, तो सेकेंड नंबर की माँ तारा है, दस महाविद्या रहती है। तो बामा खेपा उनके भक्त थे और ऐसी भक्ति उन्होंने की, ऐसी उनको शक्ति प्राप्त हुई कि एक्चुअल में जो माँ तारा अपनी घोड़े से, माँ तारा गौड़ तारा स्मशान तारा दिव्य तारा उग्र तारा बहुत मतलब फियरसेस गॉड से तांत्रिक में यूज लोग ये करते हैं, तो उनकी सेवा बामा खेपा इतनी करने लगे कि माँ ने उनको बेटा के रूप में डायरेक्ट मानना चालू कर दिया। तो बामा खेपा जी जो है वो 1837 में बॉर्न हुए थे, 1837 बीरभूम में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है और अटला गांव में उनका बर्थ हुआ था। ब्राह्मण घर में थे, उनका फादर भी प्रीस्ट था, और वो ऐसी जगह है जहाँ पे तारापीठ जो शक्तिपीठ है तारापीठ माँ का, तो उससे नज़दीक था, तो बचपन से ही उनको भगवान का शौक था। अपने सेज वशिष्ठ, अपन बोलते ना वशिष्ठ मुनि, उन्होंने भी इधर क्या बोलते तारापीठ में मतलब सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो बामा का अर्थ क्या होता है, बामा में बंगाली बोले तो नाम है, और खेपा बोले तो मैड, मतलब मैड मतलब वो वाला मैड नहीं, पागल वाला नहीं, भगवान की भक्ति में मैड, इतना उन्होंने एड़े थे भक्ति में माँ के कि माँ उनको खुद प्रकट हुई थी, माँ उनको खाने के लिए वो ऐसा कॉन्वर्जेशन रखते थे। तो ऐसी कुछ स्टोरी है, तो अभी यहाँ से मैं चालू कर देता हूँ। वो छोटे थे बामा के पाजी, तो क्या करते थे रात में जब सब सो जाते हैं गाँव में 9-10 बजे, तो ये क्या करते घर से उठ के भाग जाते थे, और लोगों के घर से जो घर में घुसते थे उनके जो देवारे में अपन बोलते मंदिर में जो ये रखा रहते फोटो देव के, वो सब देवी देवताओं के फोटो उठा के ऐसा नदी किनारे पे जाके चुरा के उधर उनकी पूजा करते थे। तो लोग गुस्सा होते थे, साला हमारे भगवान कौन चुराए, हमारे भगवान कौन चुराए, फिर बाद में बामा पे नाम आता है, फिर उनको वापस उनके घर वाले डांटते हैं, पर ऐसे थे बामा, पर उनकी हरकत छोड़ देना, वो बचपन से ही ऐसे थे, और उनको पढ़ाई में ज़्यादा 1800 मतलब 150-200 साल पहले का बात है, तो उनको पढ़ाई में तो इंटरेस्ट इतना नहीं था, और पैसे की गरीबी की वजह से वो तभी पढ़ भी नहीं पाए। तो ऐसा कर करके उनको पहले से ही भगवान में इंटरेस्ट था, देवी माँ में इंटरेस्ट था। तो उनकी बहुत कुछ किस्से, पर अभी मैं जितना शॉर्ट में होगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, जितना होएगा उतना मैं आपको फास्ट फास्ट बता देता हूँ। तो कुछ समय बीत जाता है और उनके पिताजी गुजर जाते हैं, फादर बामा खेपा जी का, तो उनकी मम्मी और उनकी बहन जो होती है वो उनको नॉलेज देती है स्पिरिचुअल के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो चालू कर देते हैं गाना बिना ये वो सॉन्ग्स मंदिर में जाके, ये तब से उनकी जर्नी ज़्यादा स्टार्ट होती है। तो एक दिन क्या होता है, उनको घर वाले रामायण महाभारत के बोलते हैं जा ये तू पढ़, तो वो पढ़ने लगते हैं, तो उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है बामा खेपा जी को, तो वो बाकी उनको कुछ काम करने का ही नहीं रहता, इंटरेस्ट ही नहीं रहता उनको, खाली गॉड 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 उनका सेवा करने में उनको इंटरेस्ट रहता है। तो एक दिन क्या होता है, वो जासवंद के झाड़ में के उधर रहते हैं और वो जासवंद को दिखता है, तो उसमें जासवंद में उनको माँ तारा का चेहरा दिखता है जासवंद के झाड़ में, और माँ तारा को फूल पसंद भी है। तो जब से वो देखता है माँ की छवि उसमें फूल में, तो वो ऐसा ट्रांस में चला जाता है ना कि अपन भाव बोलते हैं समाधि अब ऐसा, मतलब उनकी भक्ति भाव में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में मालूम नहीं, वैसे वो पोजिशन में चला जाता है। तो उसके घर वाले भी टेंशन होते हैं, मेरा लड़का क्या कर रहा है, ये तो पागल जैसा बिहेव कर रहा है, तो अभी इसको ना कुछ करते अपन इसको यहाँ से भगा डालते, नहीं तो ये पागल होने के फिराक में ही है। उसको बचपन से घर वालों से लेके सब ऐसे ही खेपा वखेपा ही बोलते थे, क्योंकि वो हरकत एड़े चले ही करता था ऐसे, तो एड़े चले बोले तो गॉड के मामले में, ऐसा नॉर्मल एड़े चले वाला वो नहीं, वो गॉड के इसमें। तो उसको क्या है, उसको घर वाले उसके रिलेटिव के पास जाते जा, और वो रिलेटिव बोलता है कि मेरे पास गाय भैंस है, तू उनको चरा, दिन भर उनको चरा भी रहा, उनका दूध भी निकाल, और तुरे तुझे मैं जो रहेगा दूंगा। पर बामा खेपा तो बामा खेपा थे, उनका तो कुछ काम के लिए वो बने नहीं थे,
तो उधर भी उनको काम कर नहीं पाए, तो रिलेटिव ने देखा साले ये तो कुछ काम का नहीं है, 2 4 8 दिन 15 दिन रखा, फिर उसको वापस घर भेज दिया। बाबा तू तेरे घर जा, तू मेरे इधर कुछ काम नहीं है तेरी, ये नहीं है काम करने की, तू बाबा तेरा भगवान भगवान ही करता है, उधर जाता है उधर भी तू ये करते बैठता है कुछ भी करता है और कुछ काम का नहीं है तू, तू घर जा। तो उसको उधर से भी उसके रिश्तेदारों से घर भेज देते मामा जी को। तो घर में आते हैं वापस, तो वापस उसका भगवान भगवान चालू होता है, फिर वापस से वैसे ही मजाक मस्करी। तो उसकी मम्मी को टेंशन आता है और ये बोलते अभी मेरा लड़का सच में पागल हो गया ना, कुछ काम कर रहा है कुछ कर रहा है, इसको मैं घर में लॉक कर देती हूँ। तो 1 2 दिन होते मामा के पापा को मौका मिलता है, तुरंत सुमड़ी में कुम होता है वो, कि वो जो अपनी नदी रहती है द्वारका रिवर, तो वो रिवर क्रॉस करके डायरेक्ट वो तारापीठ की ओर बढ़ जाता है। मतलब वो जैसे उसको मौका मिला 9 2 11 फुट चक्कर लेके मामा के पापा हमेशा के लिए घर छोड़ देते और तारापीठ स्मशान जो बीरभूम में ही है माँ तारा का, जहाँ पे भी जाने का है अच्छी बात है, बहुत पावर की जगह है, तो वहाँ पे वो निकल जाते। तो उनके घर वाले जब देखते हैं कि साला ये तो डेंजर, अपने गए आएंगे नहीं, तो उसकी मम्मी उधर उनको ढूंढने आती है, वो उनको लेने के बोलते चल अभी तू घर चलो, वो बोलते मैं आऊँगा नहीं बिल्कुल, मुझे इंटरेस्ट नहीं है अभी ये लाइफ में, मुझे यहाँ पे रहना है। तो उनके कॉन्टेक्ट से कुछ उधर मंदिर में उनको फूल तोड़ने का काम वो देते हैं। तो बामा के पा, तो बामा के उनको तो कुछ काम नहीं आता था, उनको खाली माँ का प्रे चाय एंड मेडिटेशन उनका ही, और वो माँ का उनका इतना रिलेशन अच्छा था कि जैसे अपन नॉर्मल बेटे और माँ झगड़ करते वैसे वो माँ से झगड़ा, वो बाद में सब आएगा कहानी में। तो विषय क्या है कि तो उधर उसको फूल तोड़ने का काम दिया मंदिर में कि जा रे बा बेटा तू वो फूल तोड़ और वो देव को प्रकट कर, पर उधर भी वो काम वो कर नहीं पाए। तो उनको वो हेम्प मैरिजुआना गांजा उनको वो पीने का शौक था पहले से, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा बता रहा हूँ उनकी जो स्टोरी है रियलिटी वही बता रहा हूँ। तो वही करते थे, कौन सा भी काम दो वो भूल जाते थे, कौन सा भी उनको काम दे उनको मगन ही नहीं, वो मस्त भाव में चले जाते ट्रांस में, इतनी उनकी भक्ति थी गहरी माँ के लिए माँ तारा के लिए। तो तारापीठ में तभी बामा के पास आने से पहले कैलाशपति करके एक बाबा थे, वो वहाँ वृंदावन से आए थे, उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि ये स्टोरी बहुत पहले की है 150 साल की, तभी कुछ ये नहीं था। फिर भी ऐसा पता कि कैलाशपति जो है वो वृंदावन से आए थे, तुलसी की माला पहनते थे और पंचमकर जो पूजा होती है माँ के लिए की जाती थी और वो रोज करते थे, और उनकी ऑडियंस जो देखने को आती थी वो भूत प्रेत पिशाचस सब वो लोग थे, और वो बहुत ज़्यादा कैलाशपति माँ तारा के वो भी भक्त है। तो उन्होंने उनके बारे में सुना ही था। तो कुछ दिन हिम्मत करने के बाद देखने के बाद उधर क्या चालू क्या सिस्टम, तो बामा के पा उनके पास गए और बोलते मुझे इनिशिएशन दे दो, मुझे आप जप मंत्र दे दो, मुझे साधना करना है, मुझे सिद्धि प्राप्त करना है माँ की भक्ति की। तो कैलाशपति भी देखते हैं कि बंदे में काबिलियत है इसमें क्वालिटी है, तो उसको वो अपना शिष्य मान लेते हैं और उसको अपनी गुरु विद्या जो रहती है दक्षिणा अपन बोलते हैं इनिशिएशन गाइडेंस वो उसको देते हैं। तो कैलाशपति जी है वो, उनसे इनिशिएशन लेने के बाद बामा के पा ना दिन देखते थे ना रात, ना ठंडी ना मौसम, बस तारापीठ के शमशान। और तारापीठ बोले तो वाशी से भी, वाशी क्या बोलो, काशी से भी बड़ा शमशान तो नहीं है, पर उधर सिद्धियाँ और विद्या होती है, बहुत डेंजर है वो जगह ऐसा देख बोलने को जाए तो तारापीठ, क्योंकि वहाँ पे ओपन मतलब अभी क्या बोलूँ ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तो उनकी वो चाल होगी, वो सांपों में बिच्छू में कुत्तों में कोल्ला कौन भी आए उस पे उधर रहते थे, भक्ति करते थे ओनली गॉड माँ तारा की, इतने भक्त है कि बोल ही नहीं सकते एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप भी देख लो चाहे तो दूसरी जगह से, आप इंटरेस्ट है तो आप किताब भी पढ़ लो, है ऐसी भी चीज है। तो ऐसा ही उनका था, भक्ति चालू हो गई, कुछ नहीं देखते थे ना सुख ना दुख ना खाना ना पीना, खाली भक्ति भक्ति भक्ति, उन्होंने सिद्धियां एक 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 करके प्राप्त कर ली। तो तांत्रिक विद्या कैलाशपति जी उनको सिखा रहे थे और दूसरे गुरु थे मोक्षानंद, उन्होंने भी वेद पुराण के बारे में उनको सीख गया। तो एक दिन रात में पूजा चलती रहती और बहुत लोग बैठे रहते, उनके डिसाइपल्स दूसरे भी आए रहते, तो हर रात की तरह पंचमकर पूजा भूत पूजा की चालू रहती है। तो कैलाशपति जी उनका सब सामग्री जो रहता है माँ के लिए, अल्कोहल रहता है ये रहता है थोड़ा थोड़ा चीज सब विधि का विधान का सामान जो रहता है वो लाया रहता है। तो गुरु जब तक ना बोले तब शिक्षा कुछ करना नहीं चाहिए रहता, तो उनका पूजा होता है होता है, अचानक से बामा के पास वो माँ के लिए रखा हुआ अल्कोहल का ग्लास पी लेते हैं। तो सब बाकी के डिसाइपल्स घुसे, ये तू क्या कर रहे है, तो माँ के लिए रखा है तू काय को पी रहा है, तू काय को पी रहा है गलत है, उसको गाली दे रहे, तभी बोलने लगते। तो कुछ नहीं बोलता, तब कैलाशपति जी बोलते हैं उनको देखते हैं और समझ जाते कि माँ तारा
खुद मामा केपा के बॉडी में आ चुकी है और उसने वो लिक्विड अल्कोहल उनके लिए सेवन कर लिए। वो ये होता है तो फिर कैलाशपति को वो जानते हैं कि एक स्मशान में दो सिद्ध नहीं रह सकते, तो उस दिन से कैलाशपति जी ने उनको प्योर 100% ये करके स्पिरिचुअल बीन मान के उनको पूरा तारापीठ सौंप दिया और उधर से वो निकल गए, नेवर टू बी हर्ड अगेन, नेवर टू बी सीन अगेन। तो उन्होंने इतने जल्दी इसमें माँ की, क्योंकि वो मन से ही माँ की पूजा करते थे, इतने मन से करते थे कि उनको ज़्यादा टाइम भी निकल। पर आजकल के ज़माने अपना तो काम नहीं, और मैं ना कौन से नशा प्रमोट कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, जस्ट जो है वो ज़माने में जो चलता आ रहा था चलता है, उसमें आप ये मत करो कि ये क्या बोल रहा है, मान पान रहता है भाई, तुम ये मत करो, बता रहो जो है वो स्टोरी है, डायरेक्ट क्लियर बता रहा, कुछ एडिट विडिट नहीं कर रहा। तो बामा जी अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं तो वो शमशान में ही रहते हैं, मंदिर बाजू में शमशान इधर तारापीठ की ही खासियत है, तो वो कपड़े नहीं पहनते थे, तो लोग उनके बोलते थे कि तुम कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो, तो बोलते मैं क्यों कपड़े पहनूं, मेरे मम्मी पापा खुद कपड़े नहीं पहनते, वो मेरे माता रहा मेरे बाबा कपड़े नहीं पहनते, तो मैं क्यों, और मैं तो शमशान में रहता हूँ, मेरा तो लोगों से कुछ वास नहीं है, मैं किसी एक पर जाता नहीं हूँ, किसी आता नहीं हूँ, मेरा जो है इधर ही है, तो मेरे को सोसाइटी से लेने देना नहीं, तुम लोग मेरे पास आ रहे हो मैं नहीं, मेरे को मतलब ही नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ, मैं इधर ही खुश हूँ। तो बामा केपा जी की ऐसे ही कर करके भक्ति भाव चालू रहती है, और जिधर के पंडित रहते पूजा रहते वो तो उन पे बिल्ला ही रहते हैं कि साले कुछ ये करता नहीं क्या नहीं करता, तो उस पे टप्पून बोलते ना कि टप्पून ही रहते वो पंडित लोग रहते उधर के। तो एक दिन क्या होता है कि बामा केपा जो महा तारा को जो खाना अपन बोलते भोग नैवेद्यम चढ़ाते हैं तो पहले खा लेते हैं माँ से पहले, तो पंडित देखते फिर वो होते बिल्ला और वो मौके में रहते कि बामा केपा क्या भी वाट, तो उसको घोट मारते और उसको लॉक करते रूम में, और फिर बाद में दो दिन के बाद उसको हकल देते बोलते इधर आने का नहीं, तो बामा केपा रोते रोते चल जाता है और वो माँ तारा को ब्लेम करने लगता है कि तेरी वजह से तूने ही मुझे मारवा दिया है उन लोग से, मैं क्या बुरा कर रहा था क्या, मैं तो आपको दिया हुआ खाना पहले चख रहा था, मतलब कैसा कि आपको अच्छा खाना दिया अच्छा रहेगा तो ही मैं दूंगा, तो तुमने तो मुझे मार दिया, मैं तो आपका बेटा हूँ और ऐसा कोई माँ अपने बेटे को पीटो, तो उधर से गुस्सा होके वो निकल जाता है 4-5 दिन 8 दिन। और जो नटोर की रानी रहती है वेस्ट बंगाल का टाइम तभी का, तो उनके स्वप्न में माँ तारा आती है, बोलती है अगर मेरा बेटा नहीं आएगा, तुमने वापस उसको मंदिर में नहीं डाल दिया, तुम्हारे पंडित लोगों ने उसको निकाल दिया, तो मैं तुम्हारा राज्य छोड़ के चली जाऊँगी क्योंकि मैं गुस्सा हूँ, मेरे बेटे को तुमने मार दिया है। तो सुबह होते ही रानी जी जाती है अपने सैन्य लोग को भेजते हैं, बोलते जाओ बामा केपा किधर ढूंढ के लाओ उसको मंदिर में वापस, पुजारी का जो उनका मेन काम है प्रीस्ट का वो कर दो। वो ढूंढने को जाती है, लोग उनको ढूंढते थे पर वो आने को तैयार नहीं होता, मैं नहीं आऊँगा ये नहीं आऊँगा, तो खुद रानी आती है और उनको रिकन्विंस करती, बोलती रानी मैं आपकी सेवा के लिए हूँ, माँ के लिए सेवा के लिए, तो मुझे ये लोग ने क्यों मारा मुझे ये नहीं, तो रानी बोलती है कि आज से हेडप्रूफ हो तुम, जैसे चाहे पूजा करो जो चाहे जो करो, तुम ही मेन हो तुम ही सब हो, तुम माँ ने मुझे बोलिए इस पंडित इस मंदिर तारापीठ का जो है तुम सबसे मेन हो, तुम्हारे सबसे सब कुछ चल। तो फिर मामा केपा वापस मंदिर में चले जाते, तो हेड हो गए तो बाकी के लोग वापस से चलना चालू किए, पर अभी कुछ बोले क्योंकि रानी ने बोली और माँ तारा की खुद की इच्छा, माँ तारा ने खुद रानी को बोला था, तो बामा केपा भी डेंजर ही थी, उनका पूजा करने का भी स्टाइल अलग था, कभी कभी सुबह से पूजा चालू करते थे तो एक एक दिन रात भर, ये कभी रात में चालू करते थे दोपहर तक, कभी दो दो तीन तीन दिन पूजा ही नहीं, उनका जैसा मन चाहे वैसा अभी एक नहीं करते, पर उनका रिलेशन मम्मी के साथ ऐसा था, माँ तारा को माँ ही बोलते थे और अपनी माँ को छोटी माँ बोलते थे, माँ तारा को बड़ी माँ, ऐसा उनका रिलेशन था, ऐसा बात करते थे, ऐसे फोटोज भी है कि माँ उनको खाना खिला रही है, शायद एडिटर ने मेरे डाल दिया तो इधर दिख जाएगा, होशियार हो ऐसा करेगा, तो ऐसा उनका रिलेशन हो गया, कैसा भी करके वो कैसी भी सेवा करते थे माँ की, पर माँ एक्सेप्ट करती थी, माँ बोलती तू कर रहा है बराबर है ऐसी सेवा कर तू। तीन टाइप के साधक होते, तीन पशु वीर और सिद्ध। तो पशु जो रहते हैं वो पशु बोले तो एनिमल इंस्टिंक्ट उनका ही रहता है, उनके हिसाब से करते, वीर जो रहते हैं जो अपना एनिमल जैसा बर्ताव रहता है क्रूर बद, तो वो शांत करने के लिए भी ये करते, और सिद्ध जो रहते इनको किसी रूल की फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, और बामा केपा ऐसे ही थे, वो क्योंकि माँ ने उनको खुद इतना ब्लेसिंग दिया था कि वो ऐसा नहीं कि फायदा उठा रहे, पर वो करके उनका रिलेशन कैसे, अपन माँ से आई काएगा तुम्हारा ऐसे बोलते, मतलब ये झगड़ते करते बड़बड़ करते मार ये होता है अपने इसमें, तो वैसे उनका रिलेशन माँ के साथ था एकदम प्रॉपर, जैसा बेटे का रहता है, माँ उनको खिलाती थी, उनका झगड़ा होता था तू ऐसा करते तू ऐसा करते, तो ऐसा रिलेशन चालू होते गए। उन्हीं के टाइम पे और एक सेंट है बंगाल में जो काली उपासक थे रामकृष्ण परमान स्वामी विवेकानंद जी के गुरु,
उनको आए थे, वो तो मतलब एसोसिएट्स ऐसे नॉन एसोसिएट्स थे, ये तारा माँ की पूजा करते थे, वो काली माँ की। तो उनको भी एक जन ने पूछा था कि अगर एक झाड़ में एक कलर का फूल आ रहा है तो दूसरे कलर का आएगा, तो बोलते इतनी क्या बड़ी बात है, माँ चाहेगी तो सब कुछ होएगा। तो अगले दिन जो आदमी ने पूछा था वो आता है, उधर एक ही झाड़ पे दो कलर के फूल आते, एक रेड आता है एक व्हाइट आता है। बोलते यार ये तो गजब हो गया, अरे बोलते माँ के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, वो चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है, गॉड है खाली वो विषय। अभी तुम बोलोगे ये रहने कुछ भी फेंक रहा है वो, पर ऐसा नहीं, ये शक्ति पावर आने के लिए तुमको मटेरियल वर्ल्ड से रिनाउंस करना पड़ता है। उन लोग को कुछ मतलब नहीं, पैसा पानी गाड़ी घोड़ा ये वो कुछ नहीं, खाली गॉड थिंकिंग और उनका यही वो सिद्ध है, अपन नहीं, अपन पापी लोग ही, समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन कलयुग में जी रहे और वो कलयुग में जी के भी उनको किसी चीज मोह माया, जैसे अपने तुकाराम इनका भी वैसे था, गॉड ऐसे लेवल तुमको कनेक्शन आएगा ना, गॉड ईगो निकल जाएगा, ग्रीड निकल जाए तो गॉड तुम बोलेगा, पर तुमको तभी वो चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद उनकी माँ मम्मी मर जाती है, बामा केपा की जी, और उनका एक इच्छा रहता है कि तभी बारिश का मौसम रहता है कि मैं मम्मी को जलाऊंगा तो तारापीठ में ही जलाऊंगा ये वो, तो वो निकल जाते हैं, जाते टाइम वो तैर के जाते हैं, आते टाइम बॉडी रहती है, तो एक नाव वाले को बोलते हैं कि तुम मुझे नाव दे दो, वो बोलता है नहीं मेरे पास एक ही जरिया है, मैं नहीं दूंगा ये करके ऐसा ऐसा, तो तुम मैं नहीं दे सकता है। तो वो क्या करते, डायरेक्ट मम्मी की बॉडी उठाते और नदी पे से डायरेक्ट जो बाढ़ आई हुई रहती नदी उनमें से वो निकल जाते, आके इधर वो पूरा अपना मम्मी का क्रियाक्रम कर देते। तो लोग देखते हैं कि अरे बामा तो भयंकर है, तो नदी पे चल के गया पर उधर ही जाके क्या, तो अपने में 10वां होता है 13वां होता है, तो वैसे ही 10वें के दिन भोग चढ़ाया जाता है, अपन देते हैं 10वां 13वां अपन बोलते, तस उस वो टाइम पे उसने पूरे जो आजू बाजू के 20-25 गांव थे तो उधर बोल दिया डायरेक्ट बामा के अपने, ऐलान कर दिया कि सबको खाना मिलेगा, सबको ये मिलेगा। तो लोग उस पर हंसने लगे, बोलते ये पागल आदमी क्या करेगा, ये किधर से इतने लोग को खाना ले। जिस दिन खाना बनाने का दिन था उस दिन भर भर के अनाज भर भर के बैलगाड़ियों में खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, और बारिश का मौसम था तो बारिश भी हो रहा है, सब लोग आ गए, सब लोग अचंभित हो रहे किधर से लाया खाना, किसी क्या क्या हो गया, तो बारिश हो रहा है बारिश हो रहा है। उसने क्या किया, ऐसा सर्कल किया, रिंगण बोलते ना कि अपन सर्कल, तो ऐसा सर्कल किया और उधर खादा बना रहे लोग खाना खा रहे हैं ऐसा सर्कल में, तो उधर एक बूंद भी बारिश की निकल रही, लोग और अचंभित हो गए कि ये कैसा हो रहा है, सब जगह बारिश हो रही है, इसका मतलब इसका कुछ तो बामा ने अभी किया, ये माँ का ओरिजिनल भक्त है तो माँ इसको ब्लेसिंग है, तो खाना पीना सबका होता है, सब चीज़ होता है, तो बारिश क्या रुकती नहीं है, बारिश तो गिरती रहती है। तो ये वापस से प्रे करते हैं माँ को कि माँ जाने दे, अभी जो गेस्ट आए खाना खाए अपना प्रोग्राम अच्छा हो गया, इनको जाने दे। तो पाँच वो करता है तो 5 मिनट में बारिश भी रुकती है, तो बामा खेपा जी का ऐसा ही नाम बढ़ते बढ़ते रोशन रोशन होते जाता है, नाम होता है तो लोग भी आते हैं मिलने को। तो ऐसे ही कुछ लोग आए उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए, कुछ लोग आए मिलने के लिए, कौन लोग आए कुछ ना कुछ पूछने के लिए, वहाँ पे शेतकरी थे उनको हेम्प देते थे, मैरिजुआना देते थे और उनकी फसल ऑटोमेटिक ये उगती थी, कौन कौन किसके लिए आता था, कौन किसके लिए आता था। एक मरते हुए आदमी को उनके पास लाया जाता है, एक स्टोरी ऐसी है कि वो बोलता है अरे अभी कितने पाप करेगा, बस होगा ना, कंटल नहीं गया क्या, उठ तू। वो मरते टाइम रहता है वो ऐसा, जब मामा के पंख बोले उठ तू, तो उसको गर्दन से ऐसा खींच के लेते हैं, उठ और ये कर अभी और कितने पाप करेगा तू। तो सब अचंभित हो जाते हैं कि मरा हुआ आदमी जिसको ताकत नहीं कुछ नहीं, वो उठता है उधर रखा हुआ प्रसाद खाता है, उनके पैर पड़ता है और निकल जाता है, पर इस बार कुछ लेके जाता है, होशियार बन के जाता है, बोलते हैं पाप कर रहा है तू, इतने मौत के मुंह से आए पर अभी सुधर, जो है तू सुधर। तो एक बार क्या होता है कि एक आदमी को जिसको हर्निया रहता है उसको लाया जाता है, तो बामा केपा उसको क्या मालूम ऐसे वो भगवान के इसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टर्ब करते, तो उसको आदमी को लात मार देते, ऐसा कच करके लात मार देते उधर पेट के नीचे जिधर हर्निया होता है, आपको मालूम रहेगा, तो वो बेशुद्ध तो होता है डायरेक्ट, 2-3 घंटे बाद उसको होश आता है, तो देखते हैं साला मेरा हरने ही गायब है, पर हर कोई नसीब वाला नहीं रहता है। कुछ कुछ बच्चे थे उधर के तारापीठ स्मशान में आते थे, बामा केपा जी तो अपना डॉग्स जैकल्स किसके साथ भी खाना खा लेते थे, तो वो देख के वो लोग बच्चे लगे कह रहे ये देख पागल आदमी कुत्तों के साथ खाना खा रहे, कुत्तों के साथ। तो उन्होंने वो जो डॉग्स और ये थे ये भैरव बाबा के रूप में हो गए और वो लड़के लोग को देखने, उन्होंने इनका रूप देखा तो जब से वैसे उधर से भागे कि तब से उसके बाद वो कभी दिखे नहीं।
तो ऐसे ही दूर गांव में एक ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि बामा खेपा में इतनी पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, क्वालिटी है उनमें। तो वो क्या किया, एक पैसे वाला आदमी रहता है, वो बीमार रहता है, उसको बीमार रहता है और वो मरने वाला रहता है, तो वो उसको उनके पास लाता है बामा के। वो क्या सोचता है कि साला ये बामा खेपा के पास में आदमी को लाऊंगा, ठीक करूंगा, तो पैसे वाला आदमी मुझे पैसा देगा। तो वो हिसाब से वो किंग बनने के लिए वो उसको लेके जाता है। पर वो अजब की बात होती है, जब वो ब्राह्मण वो आदमी को लाता है तो बामा के पास कुछ नहीं बोलते, बस बोलते फट, और वो आदमी उधर के उधर मर जाता है। तो वो ब्राह्मण उसको ये करता है, क्या बोलते हैं, कर्ज करने लगता है बामा के पास, तूने क्यों मार दिया ये, और क्या ऐसा क्यों कर रहा है, गलत है ये सब तेरा, तूने इसका मर्डर कर दिया। बोलते मैं कुछ नहीं किया, माँ मेरे में आई और माँ ने बोली, उनका ये था तो वो मर गया। तो ऐसे उनका नाम ये भी हुआ, रोशन होते गया होते गया होते गया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी उनको मिलने आए थे बामा खेपा को, क्योंकि परमहंस, और ये वही टाइम का जमाना है 1900, उससे पहले से थोड़ा सा। तो स्वामी जी जब आए थे बामा के पास, तो उन्होंने बोला था कि तू कुछ तो ऐसा करेगा कि तू स्टॉर्म लाएगा मार्केट में, मतलब तू नया युग चालू करेगा, तेरे में वो धमक है बेटा। तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसे कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। फिर बाद में उनको पूछा गया कि तुम बामा केपा के बारे में क्या बोलते हो, वो बोलते वो अवधूत स्टेट में थे, औदुम्बर स्टेट में थे, बोलते कभी चाइल्ड, कभी सेंट, कभी ये, मतलब वो अलग ही लेवल में थे, अपन बता नहीं सकते थे। तो ऐसे ही बामा केपा जी का नाम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर आखिर में उन्होंने, आज भी माँ तारा मंदिर आप जाओगे कभी बीरभूम में, तो उधर पहले बामा केपा को भोग चढ़ाया जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है, फिर माँ को दिया जाता है। आज भी वो मैड सेंट ऑफ तारापीठ, माँ के बेटे ही माने जाते, आज भी उनका माँ के बाजू मंदिर के ये फोटो है, समय है, और उनका बाजू में माँ के फोटो लगाए, मूर्ति लगाए गए, उन्होंने मस्त लॉन्ग लाइफ जी, सेवा की माँ की, और बाद में उन्होंने नमादी ले ली। ऐसा प्रॉपर उनका ये बामा कृपा का ये था। और आज भी तारापीठ लोग जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है, मुझे भी जाना है बीरभूम में, वेस्ट बंगाल में। तो स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताओ, और बनेगी कुछ विषय में कमेंट करो, लव यू, बहुत सारा प्यार।